स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो ये है अजमेर का तीसरा दिन, मतलब पार्ट 3। और कल हम लोग तारागढ़ गए थे, आपने मेरे पहले ब्लॉग में तो देखा ही होगा। और बहुत ज़्यादा वहाँ थक गए थे, बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो चुकी थी, तो इस वजह से हम लोग 2:30 पर छोड़ नहीं गए थे, इसलिए हम लोग आ जाए हैं और हम लोग आ चुके हैं, ये देखिए। सो गाइज, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ का एड्रेस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये मज़ार के पीछे वाले गली में ही पड़ता है। तो गाइज, हम लोग यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं। ये है इसका फ्रंट गेट, ये देखिए पूरी एक चट्टान पे बना है ऐसा लग रहा है, और ये सब बिल्कुल पत्थर के बने हुए हैं। इसका गेट है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है माशाल्लाह, और मुझे लगता है जो इसकी लिखावट है वो आज के ज़माने में हो ही नहीं सकती। तो चलिए मैं आपको मिलाती हूँ अपनी अम्मी जान से, और ये बोल रही थी कि आज मैं दिखाऊंगी तुम्हारे फ्रेंड्स को ये 2.5 टीन का झोपड़ा। तो चलो चलते हैं अपनी मम्मा के साथ। ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है, और यहाँ कितने बड़े बड़े पिलर हैं, और इनकी छत देखिए कितनी खूबसूरत डिज़ाइनें बनी हुई हैं। और मुझे पता तो नहीं, शायद ये 23 से 24 फीट के होंगे, और यहाँ नमाज भी पढ़ी जाती है। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका नाम 2.5 टीन का झोपड़ा क्यों रखा गया। वैसे ये झोपड़ा नहीं है, ये एक मस्जिद है, और इसके पीछे की दो कहानियाँ हैं। पहली कहानी है कि जो मोहम्मद गौरी थे उनके वफ़ादार कुतुबुद्दीन ने ये मज़ार बनवाई थी, और इस मस्जिद को उन्होंने सिर्फ 60 घंटे में बनवाया था, मतलब पूरे 2.5 दिन में बनवाया था, इसलिए इसका नाम 2.5 टीन का झोपड़ा है। और दूसरी कहानी है कि बोला जाता है यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोला जाता है। वैसे दोनों कहानियाँ सच्ची हैं, दोनों कहानी में सच्चाई है। हम लोग वहाँ से घूम चुके हैं, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो उसके पास एक होटल बना था, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर कबाब पराठा खाने। और फिर उसके बाद हम लोग का प्लान है 7 अजूबा जाने का, तो हम लोग अभी यहाँ से घर जाएंगे, फिर उसके बाद रेडी होके 7 अजूबा जाएंगे। गाइस चलिए चलते हैं 7 अजूबा के लिए। देखिए मैं और मेरी बहन रेडी हो चुके हैं, और हम लोग अब 7 अजूबा जाएंगे। ये रहा 7 अजूबा का गेट। वैसे हम लोग तो हर जगह पहली बार आए हैं, और चलो देखते हैं यहाँ पर क्या बना है। वैसे तो यहाँ पर बोला जाता है 7.5 अजूबे बने हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ।
सो गाइस, मेरा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करो ज़रूर से। तो देखिए मैं कितनी धूप में ये वीडियो शूट किया है। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा ब्लॉग। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।